सोनिया गांधी के दुर्ग में कांग्रेस को कौन सा झटका लगा है? रायबरेली के बड़े कांग्रेस नेता का पार्टी से क्यों हुआ मोह भंग? गांधी परिवार का दुर्ग कहा जाने वाले रायबरेली में कांग्रेस को जोर का झटका लगने वाला है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पार्टी के विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह का पार्टी से मोह भंग हो गया है। माना जा रहा है कि दिनेश सिंह जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। रायबरेली में कांग्रेस के कद्दावर नेता दिनेश प्रताप सिंह इन दिनों कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। खबर है कि दिनेश सिंह 11 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में कमल का दामन थाम सकते हैं। इतना ही नहीं, दिनेश सिंह के भाई और रायबरेली जिला पंचायत के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर दिनेश सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि वो फिलहाल इस मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ विचार कर रहे हैं, लेकिन वो अब कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। कांग्रेस से दिनेश सिंह की नाराजगी के पीछे बड़ी वजह सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा को बताया जा रहा है। इसके अलावा खबर ये भी है कि रायबरेली के पूर्व सदर विधायक अखिलेश सिंह से भी दिनेश सिंह खुश नहीं है। पिछले साल अप्रैल में ही शर्मा को लेकर बगावत का झंडा बुलंद करते हुए दिनेश सिंह ने शर्मा पर जिले में कांग्रेस को खोखला करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कांग्रेस ने दिनेश सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। आपको बता दें कि रायबरेली की सियासत में दिनेश प्रताप सिंह एक बड़ा नाम है। वो साल 2016 में कांग्रेस से MLC का चुनाव जीतने वाले इकलौते सदस्य थे। कांग्रेस से लगातार दूसरी बार विधान परिषद में चुने गए थे। शायद यही वजह है कि पार्टी से निलंबित होने के बावजूद वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आते रहे। वो राहुल के अमेठी दौरे पर साथ तो दिखे ही, राहुल की ताजपोशी के दौरान भी कार्यक्रम में दिनेश सिंह नजर आए थे। ऐसे में अगर वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये रायबरेली में कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।